नमस्कार। तो अपना टॉपिक चल रहा था वान ठाप गुणांक, ठीक है। अब उससे संबंधित अपना वान ठाप टॉपिक तो अपना वान ठाप गुणांक है, पर उसमें दो कंडीशन हो रही थी अपने, एक तो आयनन हो रहा था, एक संगुणित हो रहा था। तो वान ठाप गुणांक और एक चलता आयनन की मात्रा में संबंध, और एक चलता वान ठाप गुणांक एवं संगुणित की मात्रा में संबंध। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आज का नंबर एक गुणांक, इसे प्रदर्शित कैसे आई से वान था गुणांक आई एवं आयनन आयनन की मात्रा इसे प्रदर्शित करते अल्फा से। आयनन मात्रा किसे प्रदर्शित किया अल्फा, आयनन की मात्रा में संबंध वान ठाप गुणांक एवं आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। दोनों क्या संबंध होता है तो देखिए, माना किसी विलयन में, माना किसी विलयन में विलय के कैपिटल ए मोल है तथा आयनन की मात्रा अल्फा हो तो, आयनन की मात्रा अल्फा हो तो एवं आयनित होकर, आयनित होकर वियोजित होकर एन मोल देते हैं, एन मोल देते हैं, यानी विलय को लिया अपन ने कैपिटल लिए, ये आयनित हो रहा है या वियोजित हो रहा है किसमें, सपोज किए बी में हो रहा है, किसमें हो रहा है बी में। अब ये कितने मोल है, सपोज ए के कितने मोल हो रहे, तो कितने मोल दे रहा है बी, तो मैं ले लिया ये वियोजित होकर इसकी एन बी कणों की संख्या दे रहा है। तो प्रारंभ में प्रारंभ में मोल संख्या मान लीजिए मैंने ए की कितनी मान लिया ए, तो प्रारंभ में आयनित होने से तो बी की कितनी रहेगी जीरो, ठीक। आयनन के पश्चात संख्या आयनित कितना हो रहा है अल्फा, कितना हो रहा है अल्फा, तो पहले कितना था एक अल्फा वियोजित होगा आयनित, तो कितना बच गया वन माइनस अल्फा, कितना बच गया वन माइनस अल्फा, और इधर कितना जितना इधर वियोजित होगा उतना बी बनेगा, तो क्या बनेगा अपना अल्फा, उसकी संख्या कितनी है एन, तो मैं लिख सकता हूं एन अल्फा, क्या लिख सकते हैं अपन एन अल्फा। अब अपने ये आयनन से प्रारंभ में मोल की संख्या या आयनन के पश्चात अपनी मोल की संख्या, तो अब हम निकलते हैं इसके प्रेक्षित अणुसंख्या गुण, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण कितने, दोनों को जोड़ देंगे तो वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। अब यदि इसके अंदर लिया जाए दोनों के अंदर अल्फा को बनाना क्या था अल्फा में कॉमन क्या बच गया इधर एन माइनस वन, तो इसलिए मैं डायरेक्ट में ये लिख देता हूं, या इसको लिखते हैं वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, ठीक है। तो यह प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म सैद्धांतिक
सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण ध्यान रखना, सैद्धांतिक अनुसंख्यक कितने मानते हैं एक, तो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण अपन ये आ गए, सैद्धांतिक अनुसंख्यक कितना आ गया अपना एक। इन दोनों से अपन क्या निकल था, प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण में सैद्धांतिक का भाग देने पर क्या निकला था अपना वन था गुणन, क्या हो जाएगा अपना आई बराबर, आई बराबर यानी प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक, तो आई बराबर प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक, बटा सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण, ठीक है। आई बराबर प्रेक्षित कितना आ रहा था अपना वन प्लस अल्फा, वन प्लस अल्फा प्लस एन अल्फा, सॉरी वन प्लस अल्फा इनटू एन माइनस वन, ठीक, अपॉन ए, अपॉन ए। इससे अपन निकलेगा कि वो आयनन की मात्रा यानी अल्फा की वैल्यू देता है कितने मोल में, जो एन की वैल्यू दे देगा, तो इसे अपन क्या निकालना अपने को आई एन वन था गुणन। अगर आपको आयनन की मात्रा अल्फा पूछी जाए तो इसे अल्फा निकाल दो, तो अल्फा के मान क्या हो जाएगा अपना आई माइनस वन, आई अल्फा इज क्या आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इस प्रकार अपन जो वन था गुणन और अल्फा की मात्रा आयनन की मात्रा जो संबंध था ये अपना चलता है। तो ये था अपना वन था गुणन के आयनन की मात्रा में संबंध। अगर आपको वन था गुणन पूछा जाए तो अपने को फॉर्मूला निकालना है ये, और अगर आपसे आयनन की मात्रा पूछी जाए तो अपने को फॉर्मूला निकालना है ये। तो ये था अपना टॉपिक वन था गुणन आयनन की मात्रा में संबंध। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।